खेती करत रहल, हर चलावत रहल अपने खेते में। तो जोतत रहे, कुछ बोत रहे, बोत रहे कौन कौन शकरकंदी, सब जाना था शकरकंदी, शकरकंदी बोले रहे। हाँ तो वो शंकर जी और पार्वती जी अपन रथ लेके कहीं घूमे सैर करे जात रहे लोग, तो वो हर चलावत रहे। तो शंकर जी के देखाए कि बड़ा मेहनत करता, बहुत आज ही नहीं आया। तो पूछलस कि शंकर जी के रथ रुकल वहाँ, कहे कि शंकर जी की अब शंकर जी पूछल चोरी से कि का बोत रहे में, कुछ बोत रहा कि का करता रहा, खाली जोता तारा तो ना ना हम बोत नहीं, अरे का बोत नहीं कुछ ना, आ तो कुछ नहीं बोत रहा खाली वैसे हर चलावता रहा वो इस आ तो का बोत रहा ऐसे बाकी हम कुछ नहीं बोत रहे। तो फिर पूछल है ये सोच के बोला कि का बोत रहा, तो कोई नहीं कॉलस की कब होते हैं लड़बो से खेते में सारा खेती है फर गए। दूसर संकट के दूसर संकट का भी मिला यार क्या है ये वापसी का शंकर जी का वापसी रात है आई। तो फिर शंकर जी की गाड़ी वहां रुक गई, तो कहले कि रोत रहले, तो कहले काहो का बोत रहल, का काहे रोत रह, तेरे खेती में का भई, तेरे खेत में का भईल, तो का भईल। तब गोर धा के शंकर जी के रोए लगले, कहले कि माफ कर दी गलती सही जो भल तो अब आपसे गलती ना भल, हमारा समझने में मतलब बहुत भूल हो गई। आ तो कह रहता रहता ये बताओ ले कि है का बताई सब भर के तो उड़े हो गई बा। तब फिर से शंकर जी के गोड़ धर के रोले, जब कुछ सब कुछ एती हो गई तब जाके तब शंकर जी माफ कैले, आ तब कहले कि जा शकरकंदी गोड़ लो अपने खेते में से, जब शकरकंद गैले कोड़े तो शकरकंदी निकले। बोलो जत बनन महाराज की जय। ओके मोहरत के अपन तोने दिस अच्छा खाना कहियो ना दिस कोवक देबे ना करस बसुका कहली जे एक दिन जीवतिया जइया तो कहली दे दीदी सब दिन तो देवेलू माने जूठे काटे हमर बाल बच्चा खाला चाहे हम खाइले चाहे हमर आदमी खालो ए वाला जीवतिया हट तनी नीमन कुछ होती हो जे हमर बाल बच्चा खाई बनाए। तो कहलू वो दिन का कहली जे चोकर जितना आटा चल रहे सब आटा के झोला में चोकर धरा दे तो लेके अली। अब चोकर तो साँझी का फुला दिली, अब भोरे 12 बजे रात के पकाव तारी तो पाके न तावा पर चढ़े अच्छी तरह जाओ कठरा। तो पूरा माने अपने दिल से रुअत रहती जो मैंने कहने कलम से भगवान हमार पर भाग लिख ले बस वही रास्ता से रात में शंकर जी और पार्वती जी जात रहे। तो पार्वती जी कहली कि सुनत नहीं आज घर जीवतिया है, आज सबका घर नीमन बाउर बनल हो, हम गांव में कौन ऐसा ना भागिन भी है जे न रुअतिया, चलिए देख लिहल जाओ ना तो देख के सुन के ना चल जाए तो हमने के बड़ी पाप लगे, चलिए पूछल जाओ का रुअतिया। तो शंकर जी कहने जे मेहरारू जात लपटिया चले दी सब चल तू अपन रास्ता चल रुए तो रुआ रुआ जाए तो हम जान दे। तो फिर पीछे से शंकर जी गईनी तो कहनी का बात है जो रुआ तार सबके घर तर नीमन बार बनेगा, सब कोई अपना बाल बच्चा के खोले हुए खियौले हुए तहरा कौन खींच पड़ल बजे रुआ तर तो वह देखी। तो का कहलन जो कहलन जो अच्छा ही बताओ चल बाबा वाला घर तार कहाँ बा, तो कहल हमारे बाबा वाला घर कहाँ से हमारा ये मर ये बा बाबा वाला घर हो को चाहे जो तो जाके उनका घर में कोना मैदान कह दे पानी मांगल जो दो पानी पोच दी थी तरवा धो लिया पर कहली जो हमारा घर पानी नहीं है बर्तन नहीं है उनके देहे में पोस देना ना चल देना अपना रास्ता ना। अब बिहान भले से तो सोना का उहे हो गई थी और कोठी पर कोठी उनका पिटा गए नौकर चाकर उनका घर ला कर
तो एक दिन देखली, दू दिन देखली, तीसरा दिन कहली जी हमार बहिनिया काहे नहीं के आवत रहे हमरा घर जान के सके। तो उ कहल लो सब कोई जे तारा बहिनिया करे तो अपने नौकर चाकर लागल बा, तारा करे का करे जान के सके। तो दौड़ल गई, दौड़ल गईली तो उनका दिल में तो कुछ ना रहे, जेंगे रहे तेंगे बतौली हो तेंगे पूछ बता भैया ये कहनी हो तो हमारा तो भगवान जी दे दे। उनका कहली अगले जीवतिया जब आई तो सूख के मरे खुशी से चोकर के लिट्टी बना हो तो बना के और कैलन भगवान जी फिर हाँ फिर शंकर जी भगवान पार्वती माता आई तो पूछल जो काहे रो तर तो है ये तकलीफ तो जो देखत नहीं था शंकर भगवान जो कई तला कोठी जा तो खुशी से रो तर तो का कहने फिर घर में कहने बाबा ला घर कौन रखो तो बाबा ला घर तो अपने अलग रहे उनका बाबा ला घर में जाकर मैदान कर दिल उनका देह में पोच दिल और बिहार में रहें उनका देह में के बदबू जैबे ना करो कतनो सेठ लगाओ बगल के ढेरी कतनो भी गसन बच्चा कर तो ढेरी के ढेरी भगवान कामना से जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीतिया या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। जीतिया व्रत में पौराणिक पात्र जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित मूर्ति के पूजा का विधान है। इस साल जीतिया का जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस दिन सभी माताएं के जीवन रक्षा तथा सर्व विधि कल्याण के लिए रखती हैं। जीतिया के व्रत में माताएं दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं तथा इस व्रत में पूजन का विधान त्रिदोष काल में किया जाता है। पूजा के पश्चात सभी राज गरुड़ और जीमूत वाहन की कथा पाठ किया जाता है तथा संतान की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। जीतिया व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जीमूत वाहन एक धर्म परायण और परोपकारी गंधर्व राजकुमार थे। पिता के वानप्रस्थ गमन के बाद उन्हें राजा बनाया गया, लेकिन उनका मन भी राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन जीमूत वाहन की भी सारा राजपाट भाइयों को सौंप कर वन की ओर चले गए। वहाँ पर ही उनका विवाह मलयवती नाम की एक कन्या से हुआ। एक दिन उन्हें वन में नागवंश की एक वृद्ध स्त्री रोती हुई मिली। कारण पूछने पर महिला ने बताया कि नागवंश और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक समझौता है। प्रत्येक दिन नाग कुल की एक संतान गरुड़ के पास उनका भोजन बनने के लिए जाती है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बारी है, वो मेरा इकलौता पुत्र है, मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगी। वृद्धा की समस्या सुनकर जीमूत वाहन उनके पुत्र की जगह स्वयं गरुड़ का भोजन बनने के लिए चले गए। जैसे ही गरुड़ लाल कपड़े में लपेटे हुए जीमूत वाहन को लेकर उड़ने लगे, जीमूत वाहन की आंखों से आंसू निकल आए और वो कराने लगे। करा सुनकर गरुड़ ने उनके रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने गरुड़ को सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूत वाहन की दया और परोपकारिता से प्रसन्न होकर उन्हें और पूरे नागवंश को जीवन दान दे दिया। इस तरह से नागवंश के सभी संतानों की रक्षा हुई और लोग जीमूत वाहन की पूजा करने लगे। तब से जीतिया के दिन कुशा से बने जीमूत वाहन की पूजा और संतानों की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। हो गया कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट ही हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला आया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत है। मैंने कहा कि जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं, इस वास्ते हे देवी इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो है उनका पूजन करो, तुम सबको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी, उसी पीपल के कोंडर में सियारनी भी व्रत करने लगी।
कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन को, जो कि कोलन में बैठी थी, उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन कोलर से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली के निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ लिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का श्रमण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही। छोटी अहिन को काशीराज के मंत्री ने गर्भपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसों की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काट कर बांस की दौरी में रखकर उनके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आ करके अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन किया। उसी दोष से है बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ, उनके व्रत को सुनकर उनके इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उन लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करे। समाप्त। ज्योतिया का कथा किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह वीडियो को एंड करती हूँ कि बाय।